ओम शांति कवि और उसकी कृति में मित्रों आपका स्वागत है एक नई कविता लेके आपके सामने आते हैं आज भी यशपाल शर्मा जी की नई किताब चिराग जिसमें से ये कविता है दीपक और पतंगा हर कविता में हमने कुछ सीखा है आज ये कविता हमारे कौन से जीवन शैली की ओर लेकर जाती है ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे यशपाल शर्मा जी से मैं आपका और आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं आइए स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आज आपकी किताब में से चिराग दीपक और पतंगा कविता के बारे में बात करेंगे जी। आप क्या कहना चाहते हैं दीपक और पतंगा के बारे में संसार जब बना है जी जैसे जैसे ही समाज थोड़ा सूझबान हुआ और दीपक जलाने में बनाने में थोड़ा सा उसे ढंग आया तो दीप बना मिट्टी का दीप बना जी। तो तेल बना तो जैसे जैसे ही एक दीपक जलता है दिया जलता है तो रात के समय उसके ऊपर पतंगे आ जाते हैं उर्दू में पतंगे को हम परवाना बोलते हैं और दीपक को हम शमा भी बोलते हैं दीपक और पतंगे का जो मैंने भाव लिया इसमें अनेक भाव हैं कि एक जैसे हम प्रेम शब्द है स्नेह शब्द है उर्दू के शब्द है मोहब्बत इश्क इसी तरह से जैसे हम किसी सुंदर स्त्री की बात करते हैं तो उसे हुसन बोलते हैं और जो उसका आशक है जो उसमें जो प्रेम का भाव है उसे हम इश्क बोलते हैं तो जैसे एक दीप की रोशनी के ऊपर एक दीवे की लौ के ऊपर मोहित होकर के पतंगा आता है उसी तरह एक सुंदरी के सुंदरी के सुंदरता पर एक उसका जो महबूब है जो प्रीतम है वो उस पर मुहूर्त होता है जी। मैंने इस रंग से इसे की है और उर्दू के जो शब्द हैं ये गज़ल में और गीतों में ये अपने आप में कमाल करते हैं हिंदी में बहुत कम गीत जो हैं वो बनते हैं हैं फिल्मों में बने हैं ऐसी नहीं है किंतु ज़्यादातर जो मोहब्बत के गीत हैं इश्क मशूकी के गीत हैं वो उर्दू उर्दू नुमाए हैं सारी उसमें जो शब्द आते हैं वो अपने आप में ही कमाल है तो दीपक को मैंने एक माना है एक मोहनी रूप माना है एक सुंदरी का रूप माना है एक तनवंगी का रूप माना है एक हसनिशी का माना है और पतंगे को मैंने उसका आश्क माना है उसका प्रेमी माना है उसका प्रीतम माना है क्योंकि जब भी कोई युवावस्था में पुरुष होता है किशोरावस्था में होता है लड़कियों लड़कियां तो उनमें आपस में जे एक कुदरती स्वभाव है और उनमें के प्रेम की भावना जागती है तो प्रेम की भावना के हमारे समाज में बहुत से किस्से आते हैं उन किस्सों में हीरा राजा का किस्सा कहते हैं शशिपुनू का है सोनी मेहवाल का है और आ, मिर्जा साहबा का है जी ऐसी बालों माइया है ये सारे किसे हैं जो हमारे संस्कृति से संबंधित हैं ये हमारे समाज में विशेष करके पंजाब पूर्वी पंजाब पश्चिमी पंजाब और जम्मू का इलाका जो डोगरा है और हिमाचल का कुछ इलाका हरियाणा को कुछ इलाका जिसमें ये सारे जो ये जो किस्से हैं प्रेम और मोहब्बत के इश्क और मशूकी के आ, ये बड़े प्रसिद्ध हुए हैं हीर का हीर का हीर तो बहुत ज़्यादा लिखी गई कई शायरों ने लिखी किंतु जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई वो थी वारिशाह की वारिशाह मस्जिद में नमाज़ अदा करने वाले जो एक धार्मिक नेता थे तो जब उसने अपने बुजुर्गों से वो कहानी सुनी तो उसका मन हुआ कि मैं इस कहानी को एक किस्से के रूप में लिखूंगा और एक बात और जो ऐसे किस्से लिखने वाले हैं है, वह भी किसी के दीवाने होते हैं सो ऐसा कहा जाता है कि जो वारिस शाह था उसका भी किसी सुंदरी से प्यार था वह भी किसी को बहुत चाहता था और हीर वारिशा को जब हम पढ़ते हैं हीर राजा का जब हम किस्सा पढ़ते हैं जो हीर है वो आज भी पंजाब में जम्मू कश्मीर में हिमाचल में किसी सुंदर का तो बड़े हीर हैं मैं देखना है तो तू तो कि हीर ना ब्याह करना है और जो लड़का किसी का दीवाना होता है ना ए रजा बनिया करता है कोई सुंदर बनता है तो उसे रांझे से शक्ल दिखे के रांझा भी अपने आप में जो हीर है वो 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 काबिल तरीब सुंदर थी इसमें कोई दो राय नहीं है और आंजा ही बहुत सुंदर था दोनों का बड़ा जोड़ था वो पहले की कहानियाँ आजकल कहाँ देखने को मिलती है।, है ऐसा लगता है आपको मुझे ऐसा नहीं लगता को आज उस समय जो प्रेम की कहानियां चलती थी उनमें प्रेम था उनमें आत्मिक प्रेम था और वो प्रेम जो था वो पवित्र था वो, वो कायक प्रेम नहीं था वो आखिर तक मरते थे और अपने प्रेम को निभाते थे जी। तो रांझे की जो भाभियाँ थी जे सात सात भाई थे तो उन भाभीियों ने कहीं कहा होगा कि एक कहती होगी कि मेरी जो छोटी बहन है उससे शादी कर लो दूसरी कहती हूँ मुझसे कर लो जब वो कहता मैं नहीं करूँगा तो उसने कहा हम देखते हैं कौन सी सियालों की हीर लेके आता है जब उसको जे मीना हमारा तो नौजवान था किशोर था अल्लड़ था दीवाना था उस समय को भलले भी उसके मन में थे तो साथ ही एक घटना और घट गई उस समय तो आपने बीच में काट रही हो हाँ। आपने यहाँ पे दीपक पतंगा बोला हाँ। तो पतंगा को दीपक के साथ जोड़ा या हाँ। दीपक को पतंगा के साथ जोड़ने की कोशिश दोनों एक जैसे, एक जैसे बात, जैसे। बात एक जैसी है हमारे हम कहते हैं कि पांच विकार है एक काम है काम के आगे पांच एजेंट हैं रूप रस रूप ये पांच ऐसे एजेंट हैं जो किसी को पता नहीं चलने वो ओके समय काम कर जाते हैं आदमी जब भी किसी का रूप देता है तो सबसे पहले उसकी सूरत के ऊपर वो मरता है उसके ऊपर उसका झुकाव जाता है उसकी आखें उसे अपनाती हैं, हाँ ये मेरे काबल है ये सुंदरी अगर मैं इसे अगर प्यार करूँ या ये मुझसे प्यार करे तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा मैं नसीब हूं मैं खुश नसीब हूंगा ऐसा भाव था तो लेकिन है? यहाँ पर एक ये जो आपने तीन शब्द लिए हाँ, प्यार, हाँ, प्रेम स्नेह हाँ, तीनों में आप क्या अंतर स्पष्ट करना चाहते देखिए प्रेम शब्द एक बहुत पवित्र शब्द है जी। जैसे हम कह सकते हैं कि रावण की आंखों में भी सीता के प्रति एक आकर्षण था वो प्यार नहीं था वो एक लस्ट थी वो एक वासना थी और जो लक्ष्मण है उसके मन में भी आ, सीता के प्रति प्रेम था प्रेम शब्द में अंतर क्या है कि प्रेम में एक समर्पण होता है प्रेम में शुद्धता होती है प्रेम में कोई लालच नहीं होता प्रेम शब्द का जो मैं कह मैं मैं जो उसके मैं देना चाहता हूँ व्याख्या वो ये है स्नेह है प्यार है कर्षण है मोहब्बत है लव है इश्क है ये सारे दूसरी तरह के आ जाते हैं जैसे दूध है तो दूध आग का भी है और दूध गाय का भी है, है तो दूध ही देखने वाला उसे दूध कहेगा किंतु आग के दूध जो है वो विष है और जो गाय का दूध है वो अमृत है आप फर्क कर सकते हैं कि वैसे ही प्रेम मोहब्बत और इश्क में बस यही फर्क है कि इश्क में मोहब्बत में अलग अलग नाम दे दिए वासना है जी वहां पे वासना है और प्रेम जो शब्द है वो समर्पण का भाव है वो ब्रह्मचर्य का भाव है वो पवित्रता का भाव है वहाँ वासन नहीं है वहाँ लस नहीं है यही एक यह अर्थ <laughs> आपने इसकी व्याख्या बताई बहुत बहुत अच्छा लगा आगे अलवेले पन दीपक तू जब निज मस्ती में जलता है देख पतंगा रूप तेरे को दुख से आहे भरता है तिमिर निशा में दीप सिका जब होती है छवि मान बिखरा अपना किरण जाल करती तिम का अवसान रात को जब दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी जो होती है वो बड़ी मनमोहक होती है हर आदमी अपनी अपनी ये कमजोरी है की और कमजोरी।, एक कमजोरी है हर आदमी एक कमजोरी है जैसे हिरण है उसकी कमजोरी ईश्वर ने बना के रखी है क्या कि उसे संगीत बड़ा प्यारा लगता है कि जब भी जंगलों में शिकारी शिकार करते हैं और पता है कि जहाँ पे हिरण है तो वो एक गड्ढा खोद देते हैं उसके ऊपर वो घास फूस बिछा देते हैं कि हिरण को ये ना लगे कि पे गड्ढा खोदा हुआ है और संगीत बजाना शुरू कर देते हैं दूर से और हिरण बहुत होकर के जब उधर आता है गड्ढे में जा कमजोरी कमजोरी बिल्कुल लोभी आदमी के जो पुरुष है जो लोभी आदमी है उसकी कमजोरी पैसा है जो नौजवान जो लड़के लड़की होती हैं इनकी कमजोरी प्यार मोहब्बत है इसी तरह अलग अलग लेकिन हाँ आज हाँ। ये देखा जाता है जी है। जब भी कोई उदाहरण दिया जाता है कृष्ण और राधा का दिया जाता है हाँ। उसके बारे में वो प्रेम क्या है देखो कृष्ण और राधा का जो प्यार है क्योंकि वो तो आजकल देखने में कहीं मिलता नहीं है नहीं मिलता। आपने यहाँ पे कहा बिकरती तिम का अवसान हाँ। ये चीज तो लाइन तो ये तो मेरे को कृष्ण और राधा के प्रेम के ऊपर नजर नहीं आती जहाँ तक मीरा की बात करे कृष्ण के लिए देखो वो जो चीज है वो जो प्रेम है वो अनन्य है जी. उसके बारे में कोई डेफिनेशन दी ही नहीं जा सकती कि मीरा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम था उसने अपने जीवन को उसमें लगा दिया पूर्ण समर्पण कर दिया हु, हु, उसे कई कष्ट दिए गए कि ये महलों में रहने वाली रानी है ये जो साधु संत है ये घुमक्कड़ से इनके बीच में बैठ जाती है हमारी कोई इज्जत नहीं है जे लज्जा की बात है तो मीरा को और समझाया गया मीरा ने कहा कि मैं आ, मेरा पति अब कृष्ण है मेरा जो दूसरा देह का पति है लौकिक जो पति है वो पूर्ण हो चुका है वो जा चुका है इस दुनिया से तो मेरा यहाँ से यही पति है कृष्ण ही पति मैं उसे ही मानती हूँ तो वो एक दीवानी थी लेकिन रुक्मणी रुक्मणी का प्रेम तो था देखिए एक बात और <laughs> यहाँ पे तीन चीजें आ जाती है ना मीरा रुक्मणी राधा एक ही था कृष्ण यद्यपि एक एक था एक बात है रुक्मणी भी उनकी पत्नी थी उनमें भी आपस में स्नेह था कृष्ण के कहते कि सोलह हजार आठ सौ उनके आठ सौ एक रानी थी कृष्ण को हम निर्विकार देवता कहते हैं जी जरूर वो निर्विकारी है वो उसमें विकार नहीं है सोलह कला संपूर्ण है और यही एक ऐसा देवता है जिसे हम भगवान मानते हैं कि वो जो कहता था वो करके दिखा देता था गीता में बार बार कहा गया है कि मैं भगवान हूँ जो उन्होंने कहा विराट स्वरूप दिखाया उसमें कोई शक नहीं रहने दिया उसने कि मैं ईश्वर नहीं हूँ या मैं देवता नहीं हूँ या निर्विकारी मैं नहीं हूँ सो राधा का जो प्रेम था वो इन सब से ही कहीं ऊंचा माना गया है स्त्री में जबकि वो तो आपस में उनका मिलाप भी नहीं हुआ सिर्फ एक रूप दिया गया है प्रेम का यो जानने में आया है कहीं कहीं ऐसा है कि वो उनकी पत्नी थी कहीं कहीं ऐसा कि नहीं <laughs> वो राधा जो है उस समय कृष्ण सात साल का था और राधा नौ साल की थी जब उनका स्वयं का मिलन हुआ हम ऐसा कह सकते हैं कि राधा शक्ति है और वो चेतन है प्रकृति का और पुरुष का जो मिलन है उसी से ही सृष्टि पैदा होती है राधा का आज हम वृंदावन में जाते हैं मथुरा में जाते हैं तो वहां पे कोई कृष्ण कृष्ण नहीं करता राधे 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 करते हैं। हाँ। सो हम ये मानते हैं कि कृष्ण का कृष्ण ने अपने से ऊपर राधा को रखा मैंने पहले भी कहा है कि नारी का जो देवी रूप है नारी का जो लक्ष्मी रूप है वो वंदनीय है वो पूजनीय है नारी एक शक्ति है नारी को हम देवी रूप मानते हैं और नारी के अनेक रूप हैं कई संबंध हैं नारी कई रूपों में देखी जाती है वो माँ भी है वो बहन भी है वो पुत्री भी है वो प्रेसी भी है और इसके साथ साथ वो चंडी भी है जी जब कहीं जुल्म की बात आती है तो जब एक स्त्री जब किसी बात पे अड़ जाती है तो पीछे नहीं उठती कहते हैं कि तीन हट हैं, जो बड़े जबरदस्त हैं स्त्री के तो यह हाट, बाल हट और राज हट राजा कोई चीज ठानता है तो वो करके रहता है तो उसका अंजाम कुछ नारी अगर अपने हट पे आ जाती है तो कुछ हो जाए जे मानने वाली नहीं है ऐसे ही जो बाल हट है बच्चे का हट है इसके के ऊपर मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि अकबर अपने दरबार में बैठा है तो बीरबल लेट हो गया वो उसके नवरत्न में था और चतुर भी था तो अकबर कहने लगा जब वो आया बीरबल वहाँ पे आए तो बीरबल ने कहा अकबर ने कहा कि बीरबल क्या बात आज भाई तो लेट हो गया कभी लेट होता नहीं है कहना बादशाह सलामत बाज यह है कि आज मेरा जो छोटा बच्चा है वो जिद कर बैठा कहना जिद करने की क्या कौन सी बात है वो चीज़ देता उसे तो दे वो चुप हो जाता कहता नहीं बच्चे नहीं मानते हठ ही होते कहता मैं इस बात को मानता नहीं है कहता चलो हम ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारा दो पाल के लिए एक नाटक के लिए मैं बाप बन जाता हूँ आप मेरे बच्चे बन जाए कहता कोई बात नहीं ऐसे कर लेते हैं उसने करो नाटक करो कहते कि मैंने रोना शुरू कर दिया कहता मुझे ना एक घड़ा चाहिए घड़ा ले आए कहते मुझे हाथी चाहिए डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही तो उसने कहा पे हाथी हाथी वहाँ पे खड़ा कर दिया कहना आप क्या तकलीफ है कहते जी अब जो ये जो जो घड़ा है इसके बीच जो घड़े के बीच में हाथी डालना है डालो नहीं तो मैं रोने लगा हूँ सो तीन हठ ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि जे अपने में बहुत ज़्यादा होते हैं बालहट त्रियाहट और राज हट तो बात चली थी कृष्ण की तो कृष्ण एक निर्विकारी देवता है गीता का ज्ञान देने वाला है और दुष्टों का नाश करने वाला है पाप का जो पापी थे उन्होंने छोड़ा कोई नहीं जो सामने आया उसको छोड़ा नहीं उसने तो गीता में जैसा तो, के प्रतीक हाँ तो राधा एक पवित्रता का प्रतीक है राधा एक समाज हो सकता है कि राधा समाज सुधार की इतनी ज़्यादा रही हो कि लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और कृष्ण ने शायद इसीलिए उसे सबके ऊपर रखा ऐसा कहते हैं कि एक बार राधा भगवान कृष्ण को मिलने आई तो वो सब जलती थी कि जी आ जाती है हमारा टाइम भी ये ले जाती है तो उन्होंने उसे गर्म गर्म दूध दिया पीने के लिए तो राधा पी गई क्योंकि वो कृष्ण को हमेशा ही अपने हृदय में बिसाई रखती थी तो शाम हुई राधा चले गई कृष्ण को मिल करके चले गई तो देखते क्या है रात को जो कृष्ण थे वो सो नहीं पाए हाय हाय कर रहे क्या हुआ सारी रानी इकट्ठी हो गई मेरे पैरों में ना देखो फुफोले हो गए हैं तो ये कैसे हो गया जी उसने कहा इसका कारण यह है कि तुमने राधा को दूध कैसा दिया पीने के लिए गर्म गर्म बात स्पष्ट करने लगी कि वो इतना गर्म था हमने कहा कि इसका मुंह जले जाए दोबारा इधर आए ही नहीं कहता उसके जो दूध पिया ना उसने उसके हृदय में मैं विराजमान था वो सारा दूध मेरे मेरे पैरों के ऊपर गया देखो मैं उसे चला नहीं है देखो मेरे पैर कैसे जी हाँ अनन्या प्रेम उनका अनन्या प्रेम था इसलिए सबसे पहले राधा को बोला जाता है और कृष्ण को बाद में बोला जाता है जी हाँ आगे की पंक्तियां शुरू करें हाँ। सुंदर आकर्षित लो तेरी है रूप मनोरमा अमलान हाँ। कथक है तेरी छवि तू मनमोहक और अभिराम तेरे रूप के हैं दीवाने जलकर तुझ पे देते प्राण हाँ। शिखा कुंडल जलकर मरते हृदय समाय करी अरमान मैं कहता हूँ तुझको निष्ठुर सब कहते हैं जगवाले प्राण प्रेम के कदर नहीं है राख असंख्या कर डाले नहीं रोई है आंख तेरी मौत के दीवाने की प्राण भक्षक स्वभाव तेरा है तेरी रुचि जलाने की इसमें आपने प्राण भक्षक स्वभाव तेरा प्राण भक्षक होता है कि जो किसी के प्राण ले लेता है किसी के प्राण लेना ये सबसे बुरी बात है अगर कोई किसी को चाहता है तो उसकी चाहत का ये अंजाम नहीं होना चाहिए इसी पोइम के ऊपर मेरा किसी लेडी से बात भी बात हो रहा था एक बहस चल रही थी जी। तो उसका तर्क था हमारी मुख्य मुख्याप कहना उसकी वो बन गई जज बन गई किसी की जिंदगी में दखल देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है उसका पक्ष ये था मेरा पक्ष ये था कि आदमी का रूप ऊपर ललायत होना मोहित होना एक स्वभाव है एक प्रकृति का निजम है कुदरत ने उसके उसके मन में एक भाव दिया है जो कुदरत ने भाव दिया है कुदरत जो भाव देने वाला कोई गलत है कोई भाव ही क्यों जरूरी है कि सुंदरता के ऊपर प्रेम किया जाए हाँ जरूरी नहीं है इसका एक उदाहरण आता है कि लैला और मजनू की कहानी सुनाते हैं जो मजनू था वो अरब कंट्री का रहने वाला था और जो लैला थी वो भी उधर की थी तो जिस समय ये एक क्लास में पढ़ते थे जी। दोनों अमीर घर के थे दोनों में प्रेम होने लगा जब दोनों को ये पता चला जब दोनों के घर वालों को पता लगा तो लैला के घर वालों ने उसे मारा पीटा कई बार उसे मारा पीटा और जब उसे मारते थे लैला को तो उसकी जितनी जो चोटें थी वो सारी उसे मजनू के शरीर पे आ जाती थी वो सारी और जब मजनू को, को मारा जाता था तो लैला के शरीर पे सारे बोल बचोड़ के निशान आ जाते थे उनका ऐसा आत्मिक प्रेम था आखिर वो जो मजनू था वो रेगिस्तान में भटका भटकते भटकते मजनू भी उसने भी प्राण त्याग दिए और लैला ने भी प्राण दे दिए लैला की शादी हुई किंतु उसने यद्यपि उसका जो घर वाला था उसका पति था वो बहुत सुंदर था किंतु फिर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया उसने उसे मधुचंद्र का कि रात के दिन ही कह दिया कि मैं मजनों को प्यार करती हूँ मैं मजबूरी से यहाँ बंदर में लाई गई तो उसने लैला को उसके मायके भेज दिया उसका मैं ये जुल्म नहीं करना चाहता मैं किसी की मोहब्बत में मैं लात नहीं मारना चाहता अगर ये उसे चाहती है तो ये उसको दे दो किंतु घर वालों को ये मंजूर नहीं था बीराने में रेगस्ताने में मजनू लैला लैला पुकारता हुआ अपने प्रांत आ गया ये कहानियाँ ये सच है और उनमें एक शरीरक उनमें संबंध नहीं थे उनमें एक आत्म प्रेम था आत्म प्रेम में ही उन्होंने अपने प्राण गुमा दिए जो आज भी लैला मजनू के प्यार की कहानियां हैं वो कहते हैं कि नहीं प्यार हो तो लैला मजनू जैसा प्यार हो तो ही रंजे जैसा प्यार हो तो शशि और पुनु जैसा ये अनेक कहानियां हैं हमारे आपने यहां पर लिखा शिखा कुंडल जलकर मरते हाँ ये आपने शब्द किस रूप की तरफ किस दीवानों की तरफ लेके गए शिखा सबसे पहली बात शिखा कुंडल हाँ। कुंड जलकर मरते क्या मतलब है शिखा कुंड होता है कि जैसे एक लौ जलती है वो वो एक शिला शिखा कुंड है कि जब भी पतंगा ऐसे करता है और वो जल जाता पतंग उसके जल जाते हैं वो नीचे गिर जाता है जितने आते हैं आते हैं उसे स्पर्श करते हैं और मरते चले जाते हैं सुबह जब हम देखते हैं तो ढेरों के ढेर जो पतंगे है वो मरे होते है। तो इसके ऊपर मेरा एक कटाक्ष है शिखा के ऊपर जो दीप की रोशनी के ऊपर कि तुम्हें चाहने वाले का गुनाह क्या था कि उसने तुम्हारे रूप की रूप के ऊपर मोहित होकर के उसने चाहा क्या उसका यही गुना था और क्या उसने उस, उससे तुमने ये इंसाफ किया कि तूने उनको उसे जलाए दिया उसे उसे अगले जमलोग पहुंचा दिया उसे मैं कहता हूं कि ये जो जो दीप की रोशनी का या उसकी सुंदरता का जो उसका आकर्षण है वो उसकी मौत का पैगाम है सच्चा प्रेम क्या है सच्चा प्रेम है कि अगर उनका मिलन नहीं होता मैं मानता हूं कि अगर उनके घर वाले आए तो ऐसी पोजीशन नहीं है आज तो लड़के लड़कियां एक दूसरे को चाहते हैं पढ़े लिखे हैं और अपना अच्छा बुरा जानते हैं तो वो शादी करे तो कोई बात नहीं अच्छा आजकल तो ऐसा चल रहा है आजकल पुराने माँ बाप भी ऐसे नहीं रहे कि वो अड़ते हों ये है किंतु कई ऐसे हैं जो दगा कर जाते हैं उसमें ज़्यादा नुकसान लड़कियाँ खा जाती है कि लड़कियों को बर्बाद करके निकल जाते हैं किंतु वो जो प्रेम है वो एक वासना है वो एक लस्ट है मैं उसे स्वीकार नहीं करता प्रेम हो तो हृदय से हो पवित्र हो। ये सोचना लड़की का भी काम है उसे देखना है ये वो सोचे जो लूटने वाला है वो क्यों लूटे पुरुष एक लोभी है ये पतंगा है ये बमरा है जैसे फूल के ऊपर बमरा बैठता है आप एक पुरुष है आप इस तरह से शब्द जब कह रहे हैं हाँ। वहां पे मैं काट कर आपको ये कहती हूँ जरूरी नहीं है कि एक स्त्री की गलती है आपने बोला कि वो लोभी है हाँ। तो वो तो गलत हुआ ना पहले के जमाने में जैसे आपने पिछली कुछ कड़ियों में ये कहा था हाँ। कि आ, बिना देखे विवाह होता था हाँ, इतना हाँ। बड़ा हाँ। बड़ा घूंघट होता था कोई हाँ। किसी को पता ही नहीं होता था कि क्या है क्या नहीं है लेकिन वो भी तो एक प्रेम था वो भी तो एक निभाते थे उससे भी तो एक गृहस्थी चलती थी मैं, उससे भी तो एक परिवार चलता मैं था एक बात आपको बताता हूँ लेकिन यहाँ पे आपने स्त्री को ही क्यों गलत बोला नहीं मैं स्त्री को देखिये स्त्री भी एक उसकी रचना का हिस्सा है और स्त्री में एक एक दिल है वो पत्थर दिल नहीं है स्त्री जो है युक्ति जो है वो भी एक दिल रखती है उसमें भी ये वेदनाएं हैं संवेदनाएं हैं उसके भी कुछ चाहते हैं उसकी भी कोई उड़ान है मैं उसे गलत नहीं कहता जो एक एक बात नहीं, नहीं हाँ। आपने अभी हाँ। ये बोला कि एक पुरुष भंवरा है हाँ। तो क्या भंवरा गलत नहीं है सिर्फ फूल की खुशबू लेके चला गया तो वो गलत ही हुआ ना <laughs> जैसे आप ने एक प्रश्न और किया मेरे सामने वो ये था कि पिछले जमाने में निभाते थे जी। निव, वो निवाना था मजबूरी में क्यों समाज के जो निजम थे वो बहुत कड़े थे उस समय किसी को जो जितनी बरादरी होती थी गाँव होता था वहां पे बैठ जाते थे लड़के की हिम्मत नहीं थी एक आंख वाली है या दो आंख वाली है या पूरी तरह चश्म गोला है चश्म गोला है या बिल्कुल <laughs> ये नहीं वो तो एक, एक रिश्ता था जो हा? हमारे बुजुर्गों ने तय किया था लेकिन वो भी तो आगे चलने वाला था ना नहीं चलने वाला था वो मजबूरी में चलने वाला था अब आप इसको मजबूरी का करना देखिए देखिए मैं एक बात कहता हूँ आज का ज़माना यह है कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं पढ़े लिखे लड़के हैं कमाते हैं दोनों सर्विस करते हैं या दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं और या वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं अगर वो शादी ऐसे कर लेते हैं या प्यार करते हैं तो मैं नहीं कहता मैं कहता हूँ उनका प्रेम जो है अगर प्रेम है तो निभना चाहिए आपकी हाँ। बात को यही विराम देती हूँ हाँ। अगली कड़ी में इसी कवि इसी कविता को हम जारी रखेंगे फिलहाल आपका दीपक और पतंगा बाकी है <laughs> इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो युवक और युवती को लेकर आते हैं ठीक है। आप हमारे इस कड़ी में आए आप हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों दीपक और पतंगा अभी तक हमारा अधूरा है इसमें एक प्रियतम और प्रेम की बात चल रही है जहाँ तक हमारे कवि जी ने एक स्त्री के ऊपर कुछ ऐसी बातें बोली हैं, उसका हल हम अगली कड़ी में जरूर निकालेंगे क्यों उन्होंने कहा ये उनसे अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति